बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है ईद का तीसरा दिन और आज हम जा रहे हैं उथेम मॉल, जो कि दमाम में ही है। मॉल हमारे घर से 15 टू 20 मिनट्स की ड्राइव पर था। ये हम मॉल पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितना रश है। ईद पर यहाँ इसी तरह रश होता है क्योंकि यहाँ की फूड कोर्ट और राइड्स बहुत अच्छी हैं। ये अब हम पार्किंग ढूंढ रहे थे। फाइनली हमें पार्किंग मिल गई, पर थोड़ी वॉकिंग डिस्टेंस पर मिली थी। अब हम यहाँ से वॉक करके मॉल की तरफ जाएंगे। ये देखिए मॉल का स्ट्रक्चर कितना डिफरेंट बना हुआ है, जैसे ये मॉल नहीं शिप है। और ये मुझे नज़र आ गया यहाँ स्टारबक्स, और मुझे स्टारबक्स का आइस्ड मोका शेक बहुत पसंद है। आप सबका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये अब हम इंटर हो गए थे मॉल में। वैसे नीचे गेट्स पर काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग थी, SOPs का बहुत ख्याल रखा जा रहा था। कोरोना ने सब कुछ चेंज कर दिया है। खैर, ये देखिए मॉल कितना अच्छा डेकोर किया गया है। एस्केलेटर से ऊपर थर्ड फ्लोर पर जा रहे हैं। एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर शॉप्स थी, तो शॉपिंग तो हमने करनी नहीं थी। और फूड कोर्ट और राइड्स थर्ड फ्लोर पर हैं। आइए चलते हैं। और ये देखें जी, ये मेरा शहजादा राइड्स देखकर एक्साइटेड हो रहा था। ये अब हम सब जा रहे थे फूड कोर्ट की तरफ, क्योंकि डिसाइड हुआ था पहले खाना खाएंगे देन राइड्स लेंगे। तो अब हम जा रहे हैं फूड कोर्ट। ये देखें जी, यहाँ रेस्टोरेंट के काफ़ी ऑप्शंस हैं, आपका जो दिल चाहे आप खा पी सकते हैं फूड कोर्ट में बैठकर। और ये देखें, यहाँ प्रिंसेस की चल रही थी लाडियाँ शाडियाँ अपने नाना के साथ। और खाने में हमने ऑर्डर कर दिया था KFC, जो कि आ चुका है।
खाना हम खा चुके थे, अब हम जा रहे हैं राइड्स पे। और यहाँ हम लेने आए थे टिकट, यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी रश लगा हुआ है और फाइनली हमें अपना कार्ड मिल चुका था। हाँ जी, ये थी हमारी फर्स्ट राइड, आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करें। और ये अब हम आ गए थे सेकंड राइड पे। इतनी कोई ये ख़तरनाक राइड थी मैं आपको बता नहीं सकती, इसने तो लोगों की चीखा ही कर छड़ी। अभी तो ये बड़े खुश बैठे हुए ना, अभी जब ये तेज़ होएगा ना फिर आप इनके मुंह ज़रा चेक करना। हाय 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 हाय, आया है ना हूं तुहानू मजा। ये थी हमारी थर्ड राइड और इस पे तो ऐसे लग रहा था जैसे मेंढक ना जंपी लगा रहे। और ये थी हमारी फोर्थ और लास्ट राइड, इसमें बैठने के लिए जिगरा चाहिए था जो कि सिर्फ भाभी की बहनों के पास था। इस राइड की काफ़ी हाइट थी, ये काफ़ी ऊपर तक जा रहा था, पता नहीं वीडियो में क्यों नहीं कैप्चर हुआ बट ये काफ़ी हाइट पे जा रहा था। अब हम मॉल से निकल रहे थे, इस टाइम तक काफ़ी रश ख़त्म हो चुका था। फाइनली हम नीचे पहुंच चुके थे, अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ।
जाते जाते हमारा प्लान बना कि क्यों ना आइसक्रीम हो जाए, तो अब हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। ये हम पहुंच गए बास्किन रॉबिन और यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था प्रलाइंस एंड क्रीम फ्लेवर। और यहाँ हमारी आ गई थी आइसक्रीम, अब हम इसे करते हैं इंजॉय। अब हम जा रहे हैं घर, तो चलें चलते हैं। और ये अब हम आ गए थे घर। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।